यस माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू। मेरा अभी उसी जगह पर से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पर आपको नीट की स्टार्ट किया था। मैंने नीट के क्लासेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एम्स के और नीट के या पिछले साल जो पूछा करते थे AIPMT के, उनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस सीरीज को आपने पसंद भी किया होगा। उसी की कंटिन्यूटी में पार्ट वन का जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बहुत बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये मेरा यूनिट्स एंड डायमेंशंस की पार्ट कवर करेंगे, इसमें मैं सिग्निफिकेंट नंबर की पार्ट कवर करेंगे, इसमें मैं एरर की भी पार्ट कवर करेंगे। तो ये चार चीज़ों को अगर मिला दिया जाए तो हमारा ये बेसिक स्टार्ट हो जाता है। उसी कड़ी में मेरा पहला स्टार्ट होता है यूनिट। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि यूनिट्स के बारे में क्या जानकारी हमें चाहिए। और ये हमेशा याद रखिएगा कि इस समय आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका फोकस है ना कि फिजिक्स को पूरा सीखने का, बल्कि उन सभी चीज़ों पर आपको गौर करने का है जो कि एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस है, या यूं कह लीजिए अब तक इसके अराउंड में आता रहा है। उस कड़ी में मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम बताता हूँ कि जिसकी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आमतौर पर तो आप फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, लेंथ है, मेजरमेंट डिस्टेंस अगर स्टार्ट कीजिए तो लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज आते हैं। लेकिन वह कौन सी क्वांटिटीज है जिसकी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उनकी अगर चर्चा किया जाए तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। और उस कड़ी में बात मैं करूँ तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट आ जाएंगे, आप अगर ध्यान से सीखिए तो ध्यान दीजिएगा इस पर। टॉर्क के बारे में, टॉर्क का फिजिकल क्वांटिटी क्या यूनिट इसकी हो सकती हैं उसकी बारे में जानकारी। एंगुलर मोमेंटम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन, फोर्स, विस्कोसिटी, एनर्जी, इम्पल्स, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ऐसे न जाने कितने आपके जानकारी मैं देता चला जाऊंगा, लेकिन मैं ये आपसे उम्मीद करता हूं कि चूंकि आप नीट के एग्जाम्स दे रहे हैं या मेंस के एग्जाम्स दे रहे हैं, ITJEE मेंस के एग्जाम दे रहे हैं, तो बेसिक से आप रूबरू हो लीजिएगा। मैं उसकी चर्चा यहां पर डिटेल में नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कुछ चीज़ों के बारे में आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछे कि वॉट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम, यहाँ पर आपको नहीं फंसना है। परमिएबिलिटी ऑफ ए वैक्यूम, यहाँ पर भी आपको नहीं फंसना है। मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। स्टीफेंस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, ये सब भी, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे की कड़ी में जाते हैं तो हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एनर्जी डेंसिटी, मतलब इतने सारे जो फिजिकल टर्म्स आ रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छी तरह से उसकी यूनिट पता होना चाहिए। और अगर आपको यूनिट पता है बेशक आप उसकी डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक मैं भी आपको बीच बीच में बताता रहूँगा किस चीज़ पर आप फोकस करें और कहाँ पर आप ओमिट करते हुए चले जाएँ। चलिए वन बाई वन शुरू करते हैं। मेरा आज का टारगेट है, हम यूनिट्स के बारे में बहुत नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि यूनिट्स के बारे में नीट में कैसा क्वेश्चन आया, और अगर आया तो वह कौन सा क्वेश्चन था, और कितने सालों का मैं नीट्स की तैयारी करवा रहा हूँ आपके। लगभग 20 ईयर्स पिछले क्वेश्चन पूछे गए हैं, अप टू 2020 तक मेरे पास जो अवेलेबल क्वेश्चन हैं अभी तक 2020 तक है। मैं उन सभी का आपके साथ डिटेल में वर्णन करते चला जाता हूँ। तो उसी कड़ी में जो पहला क्वेश्चन आया था ये रहा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने वो क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट, मतलब व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। उस क्वेश्चन के लिए आपको याद नहीं करना है कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये कहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का है, पर्टिकुलरली हीट ट्रांसफर का है, क्या कहता था हीट ट्रांसफर में, ये जानकारी आपको होना चाहिए कि अगर वन इंड T1 है और दूसरा इंड अगर T2 है, और अगर हम स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएं और ये एक कंडक्टर है,
यही चीज आपको सीखना है। कंडक्टर का लेंथ अगर L है, T1 T2 टेम्परेचर है सच दैट T1 इज ग्रेटर देन T2 टेम्परेचर है। L लेंथ ऑफ ए कंडक्टर है, दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। एक एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, T1 T2 टेम्परेचर डिफरेंस है। तो क्या लॉ कहता है यहां पर, आपको यह जानना चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो दैट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट ए स्टेडी स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई एल दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। ये डायरेक्शंस में हीट फ्लो कर रहा है। और यहां पर के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज dQ/dt जूल पर सेकंड। क्लियर, के बारे में आपको निकालना है इसको क्लियर। अब एरिया और लेंथ है तो एक एल आपके पास बचेगा एंड T1 - T2 ऑफ कोर्स केल्विन हो जाएगा टेम्परेचर। इसलिए अगर हम केल्विन के बारे में अगर बात करें, जूल पर सेकंड वाट हो गया, पर मीटर हो गया, पर केल्विन हो गया एंड दिस इज योर आंसर। यहां पर केल्विन से है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी तो आप लिख सकते हैं, चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर, वाट पर मीटर पर केल्विन एंड दिस इज योर क्वेश्चन। यस माय डियर, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी आपसे पूछा गया है, नीट का ही क्वेश्चन है। क्या कहता है कि द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। मतलब इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर डैम्पिंग फोर्स को एफ से करें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देन व्हाट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूनिट। अब इसके बारे में मैं क्या लिख सकता हूं, एफ इक्वल टू के वी। अब आपसे इसकी यूनिट पूछता है कि के का यूनिट क्या हो सकता है। सिंपल, फोर्स का यूनिट, अगर हमसे ये बात किया जाए कि फोर्स का यूनिट को किस चीज़ में आपको बताना है, आप किस चीज़ में इसको बता सकते हैं, न्यूटन, अगर इसकी बात करें फोर्स की न्यूटन। और वेलोसिटी की क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के। अब अगर इस फोर्स को हम लोग इस बात पर रखें कि मास और एक्सीलरेशन के टर्म पर, तो इसका क्या आ सकता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, इस फॉर्मेट में आ जाइए, लेंथ इंटू समय टाइम, टाइम ऊपर चला जाएगा एंड दैट इज के मास एम, दिस इज एक्सीलरेशन, लेंथ टी का पावर -2 टी डिवाइडेड बाई एम कटता हुआ, मास और टाइम आता हुआ, मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, kg सेकेंड इनवर्स, दैट इज योर आंसर। मैं इसे कैसे किया, मास को मैंने m से डिनोट किया, लेंथ से लेंथ कट गया, टाइम का पावर +1 - 2 kg सेकेंड इनवर्स, आप वहां से चेक कर सकते हैं एंड यू गेट द आंसर। डायमेंशंस का जो पार्ट है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप में इससे एक क्वेश्चन आपको हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। डायमेंशंस के लिए आपके पास यूनिट का जानकारी होना अति आवश्यक है। इसका मतलब हो गया कि फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। यहां पर फिजिकल क्वांटिटी आपको याद थोड़ी ही करना रहता है, आपने 11th और 12th को जब आपने पढ़ाई पढ़ा तो वहां पर फिजिकल क्वांटिटीज से हर चैप्टर वाइज आपने क्रॉस करते रहा और उसी की कड़ी में आज आपका यहां पर मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशंस का मतलब होता है इफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट इज मास, लेंथ, टाइम, तीन बेसिक्स यहां से हो गए, उसके बाद क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस एंड ल्यूमिनोसिटी। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज में अगर उसको रेज कर दिया जाए पावर को, तो पावर को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन द फंडामेंटल टर्म्स इज कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको लिखता हूं फोर्स और इसकी आप डायमेंशनल इक्वेशंस को लिखते हुए डायमेंशंस को चेक करना है। तो फोर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, सिंपल हो गया।
मास के लिए आप कैपिटल एम में आ जाइए और एक्सीलेशन के लिए लेंथ टी माइनस टू में आ जाइए. मास इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल एम, लेंथ इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल एल, टाइम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल टी, टेम्परेचर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल के, करंट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल ए एंड मोल एम ओ एल. इन सभी चीजों से मैं डिनोट करता हूं. तो यहां पर अब इसकी डायमेंशन कहा जाए फोर्स का, तो मास का कितना डायमेंशन है 1, लेंथ का कितना है 1 और टाइम का कितना है माइनस 2. तो हमने क्या किया, इस फोर्स को पहले तो हमने इसको अपने इसको इक्वेशंस में लिखा, मास इनटू एक्सेलरेशन. मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और टी फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास हो गए. उसको एक्सप्रेस कर दिए तो पावर इटसेल्फ इज कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. डायमेंशंस दैट इज पावर्स ऑफ द फंडामेंटल, ये जो क्वांटिटीज है उसके, उसको अगर एक्सप्रेस कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड टाइम्स. अब इसी कड़ी में मैं आपको सिखाता हूँ कैसे. एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अब तक में वो बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं. उसमें क्या होता है, कोई एक फिजिकल टर्म दे देगा और उसको कहेगा कि दिए गए गिवन फंडामेंटल टर्म्स में उसको एक्सप्रेस कीजिए. जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, अगर आपको दे दें कि फोर्स को रिलेशनशिप डेवलप कीजिए मास एंड वेलोसिटी में एंड डिस्टेंस में, फोर्स के लिए किसके किसके बीच में दे देगा, फोर्स इज रिलेटेड टू एम, फोर्स इज रिलेटेड टू बी एंड फोर्स इज रिलेटेड टू आर, कहेगा इसमें रिलेशनशिप डेवलप कीजिए. आप क्या कीजिएगा, सिंपल क्या कीजिएगा, आप इक्वेशंस में लिखिएगा इक्वालिटी में मास के लिए आप एम का प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. पावर अननोन रेज कर दीजिए ए, यहाँ वेलोसिटी लिखिए, पावर इसका अननोन रेज कर दीजिए बी, और ये यहाँ पर रेडियस का या जो भी डिस्टेंस है इसका सी कर दीजिए. फोर्स के बारे में आपके पास ऑलरेडी मालूम है एम एल टी माइनस टू, के एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. नाउ मास, अगर हम लोग इसको मास कहते हैं तो कैपिटल एम से डिनोट कीजिए और इसकी पावर को ए कर दीजिए. वेलोसिटी कहते हैं तो एल टी माइनस वन जो हम लोग जानते हैं बी कर दीजिए, और ये डिस्टेंस है कहीं ना कहीं ये एल से ही है, सी कर दीजिए. अब डायमेंशन मैच करा दीजिए लेफ्ट साइड और राइट साइड का, कैसे, एम एल टी माइनस टू रहने दीजिए, के डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है. यहाँ पर एम के पास देखिए तो सिर्फ एक ही है, वो क्या है, एम की वैल्यू ए है. लेंथ के पास अगर देखिए तो दो वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू है, L की वैल्यू B है और L की वैल्यू C है, और T की सिर्फ एक वैल्यू माइनस B. अब डायमेंशनल होमोजेनिटी के लिए प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीज के पावर सेम होना चाहिए, मतलब यहां M का पावर 1, L का पावर 1, तो इन दोनों के पावर डायमेंशनल होमोजेनिटी के लिए A इक्वल टू 1 हो जाएगा, B प्लस C इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड माइनस B इक्वल टू माइनस 2. इन सभी की वैल्यूज को निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, दैट इज द रिलेशनशिप. और ऐसे ही क्वेश्चंस अब तक क्या जो भी रुझान आता है, चाहे वो एम्स की क्वेश्चंस हो या नीट की क्वेश्चंस हो, इसी मॉडल पर है. वन बाय वन मैं सभी को सॉल्व करते चलूं. माय डियर स्टूडेंट्स, उस साइड देखिए, आपके पास एक नीट के क्वेश्चंस आए हुए हैं 2017 में, ये पूछे गए नीट के क्वेश्चंस में. क्या कहता है कि द लेंथ इज समवॉट रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, जी दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एंड एक और टर्म दे रहा है ई स्क्वायर 4πε0, जहां ई इज इक्वल टू चार्ज है एंड इप्सिलन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी. देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एल एंड द थ्री गिवन क्वांटिटी दैट यू नीड टू एस्टेब्लिश. आपके पास चार चॉइस दिए हुए हैं एंड वन बाय वन यू हैव टू चूज. मतलब यहां पर आपका क्या क्वेश्चन आ गया, जो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया कि आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस में यहीं से क्वेश्चन आना है और वहीं से स्टार्ट हो भी गया. क्या कहता है, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप आ जाइए, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसकी पावर को रेज कर दीजिए ए. चलिए सी के बारे में हम यूनिट और डायमेंशन पुट करेंगे. जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसकी पावर को बी पुट कर दीजिए. एंड ई स्क्वायर 4πε0 That is E square 4πε0, इसके पावर को आप सी पुट कर दीजिए. ये आपका टास्क पूरा हो गया. कहता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप. चलिए इसको क्या करना चाहिए,
सबसे पहले L डायमेंशन ऑलरेडी कन्फर्म है, इसकी डायमेंशन क्या है 1। इक्वालिटी का साइन दीजिए और एक डायमेंशनल कांस्टेंट लगा दीजिए K, जो इसकी कोई यूज नहीं होगी, ये चूंकि डायमेंशनल कांस्टेंट है, नो डायमेंशन। C, व्हाट इज दिस? C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसका डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं, एल टी माइनस वन वेलोसिटी के लिए, और पावर ए कर दीजिए। जी के बारे में आप नहीं जानते हैं, आपको याद भी नहीं करना है, क्योंकि ये संभव भी नहीं है कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन आप याद रखिए। आप क्या कीजिए, फॉर्मूला पर जाइए, फोर्स से रिलेटेड जी कैसे है, एम का स्क्वायर और डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां से आप जी निकाल सकते हैं। फोर्स के बारे में आप हमेशा याद रखिए, एम एल टी माइनस टू ये डिस्टेंस है, एल स्क्वायर और ये मास है एम स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ जी, यहां पर आपके पास आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास खेल खत्म हो जाएगा, ये दोनों कटेगा, दिस इज एम माइनस वन एल का पावर थ्री एंड टी का पावर माइनस टू, एम माइनस वन एल का पावर थ्री टी का माइनस टू, तो ये जी की जगह पर आप इसको पुट कीजिए, एम का पावर माइनस वन एल का पावर थ्री टी का पावर माइनस टू एंड रेज द पावर अननोन पावर, इसको हम इक्वेट करेंगे होमोजीनिटी से। और इसको कैसे आप इक्वेट करेंगे, ये टर्म के बारे में आपको दिमाग लगाना है। आप जानते हैं कि दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अगर दो चार्ज हो और डिस्टेंस आर हो तो फोर्स लगता है, कूलम्स लॉ के बारे में इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आपके कॉन्सेप्ट टर्म में ई स्क्वायर फोर पाई एप्सिलॉन, मतलब फोर आर स्क्वायर को एक तरफ कर दीजिए और ई फोर पाई एप्सिलॉन को एक तरफ कर दीजिए, बोलिए सही आ गया। अब फोर्स के बारे में आपको याद रहना है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, आर के बारे में आप जानते हैं एल स्क्वायर एंड दिस इज ई स्क्वायर फोर पाई एप्सिलॉन, खेल खत्म हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एम एल का पावर थ्री टी का पावर माइनस टू, ये आर स्क्वायर को मैंने यहां कर दिया, एम एल टी माइनस टू और आर स्क्वायर एम एल क्यू टी माइनस टू ई स्क्वायर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर ई स्क्वायर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एम एल का पावर थ्री टी का पावर माइनस टू, माइनस साइन पर जरा सा ध्यान रखना चाहिए एंड दिस इज सी। अब आप इसको इक्वेट कीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा, कैसे, एल की पावर वन के को छोड़। अब आइए L, L का पावर यहां पर क्या है A, इसको इक्वेट कीजिए L की पावर A, यहां पर L की पावर क्या है 3 और B, तो प्लस 3B, अब यहां पर क्या है L की पावर 3 और C, तो प्लस 3C, इसको अगर आप मैच करते हैं तो ये L की पावर आ गया। अब आप नेक्स्ट चेक कीजिए M, M इसमें नहीं है कोई बात नहीं है, इसमें M के लिए कितना पावर रेंज है माइनस वन और पावर B है तो माइनस B, M के वहां पर m का पावर 1 दिया है तो हम लोग पुट कर सकते हैं c, ऑलरेडी प्लस में आएगा क्योंकि 1 और c है तो m की पावर c हो जाएगा, mm पावर ऐड होता है तो माइनस वन बी हो गया और प्लस c हो गया। अब एक आपके पास t बच गया, t का पावर यहां पर क्या है माइनस वन, तो t लिखिए, पावर इसका क्या दीजिएगा माइनस a, क्योंकि 1 था 1 से 1 को किए, यहां पर माइनस टू बी और यहां पर माइनस टू सी, नाउ दिस इज द पॉइंट्स, आपके पास इतने चीज आ गए। अब क्या है डायमेंशनल होमोजीनिटी का प्रयोग कीजिए, द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ को लेंथ से करेंगे, मास को मास से करेंगे और टाइम को टाइम से करेंगे, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में मास और टाइम मिस करता है तो हम लोग इसको क्या इक्वेट कर सकते हैं, उसके जगह पर m की जीरो ले लेंगे और t की वैल्यू जीरो, क्योंकि किसी की भी पावर को अगर जीरो कर दिया जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेसक सेम चीज आ जाता है, एम का जीरो वन टी का जीरो वन और ये सेम चीज आ गया। मैच कीजिए बच्चे लोग, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा एल की वैल्यूज यहाँ पर क्या है वन और एल की वैल्यू क्या है इसे उठा लीजिए, ए प्लस थ्री बी प्लस थ्री सी इक्वल टू वन, पहला काम लेंथ को टारगेट कर लीजिए, मास को टाइम कीजिए, मास में माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हो गया बच्चे लोग बी इक्वल टू सी, ये फर्स्ट इक्वेशन दिस इज सेकेंड इक्वेशन, अब इसको टारगेट कीजिए, क्या टारगेट कीजिएगा माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी इक्वल टू जीरो, दिस इज थर्ड इक्वेशन, इसमें आप चाहिए तो बी और सी को इक्वेट कर लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा बी और सी को बी के फॉर्मेट में, माइनस ए माइनस टू बी और माइनस टू बी सी को भी बी के फॉर्मेट में, तो माइनस टू बी इक्वल टू जीरो, इसलिए ए का वैल्यूज क्या आ जाएगा माइनस ए इक्वल टू फोर बी एंड दिस इज इक्वेशन थ्री। अब इसकी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको सेट कर लीजिए, हमारा वैल्यूज आ जाएगा, कैसे कैसे वैल्यूज आ जाएगा, ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी
यहाँ पर आप सबकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ए के जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, माइनस ए के जगह पर, यहाँ पर ए के जगह पर माइनस फोर बी, ठीक है, थ्री बी को आप रहने दीजिए, थ्री बी प्लस थ्री, और सी के जगह पर आप बी को पुट कर सकते हैं, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू वन, थ्री थ्री जस सिक्स, सिक्स में से फोर चला गया, टू बच गया, दैट इज टू बी इक्वल टू वन, सो वॉट इज बी, बी इक्वल टू वन बाई टू, तो एक पार्ट आपका आता हुआ b इक्वल टू वन बाई टू, इसलिए c भी बच्चे लोग कितना हो जाएगा, दैट इज वन बाई टू, अब बच गया a, a का वैल्यू यहां से आप ले लीजिए, a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस फोर इंटू बी, सो वॉट इज a, माइनस टू, अब आपके पास सारे टर्म्स आ गए, a का भी वैल्यू आप चेक कर लीजिए बच्चे लोग, a का वैल्यू क्या आया, माइनस टू आया, b का वैल्यू हाफ आया, और c दोनों बराबर है, इसलिए अब आपका खेल खत्म हो गया, आपका आंसर आ गया, कैसे आ गया, यहीं से आप पकड़ लीजिए, एल जो आपसे पूछा गया था, एल यहां पर इक्वल टू का साइन दे दीजिए, चूंकि आपसे इक्वेशन पूछा गया, एक कांस्टेंट के है, इसको आप छोड़ भी दीजिए, सी का वैल्यू, सी का मतलब आपको यहां पर पुट करना वेलोसिटी ए, तो सी का आ जाइए, सी का ए का पावर कितना है, माइनस टू पुट कर दीजिए, जी जी रहने दीजिए, बी का वैल्यू कितना है, हाफ हाफ पुट कर दीजिए, और ये वैल्यू इसका पूरा e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या है, c, और c भी क्या है, हाफ पुट कर दीजिए, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 1 बाई सी स्क्वायर जी ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों के दोनों आपके स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और c, दैट इज योर आंसर, आप अगर चेक करते हैं तो a इज द करेक्ट आंसर, इस स्क्वायर रूट को हम लोग हाफ में भी लिख सकते हैं, एंड दैट मैचेस विद a, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार पुनः फोकस कीजिए, हम आपको पहले भी बताएं कि ये इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बार बार आता है, 2016 जब भी आया चेक कीजिए, 2016 नीट की क्वेश्चन क्या कहता है, प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दिया कि इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, सी स्पीड ऑफ लाइट, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दीज थ्री टर्म्स आर टू बी रिलेटेड विद द लेंथ, देन व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन लेंथ एंड द गिवन थ्री क्वांटिटीज, अब आपको उसमें से चॉइस चूज करना है ए बी सी डी के अंतर्गत, तो यहां पर आपका क्लियर कट क्या दे दिया कि लेंथ इज समवॉट रिलेटेड टू, मैं यहां पर आता हूं, लेंथ इज रिलेटेड टू किस चीज से रिलेटेड है, कॉन्स्टेंट को वन मानते हुए, पहला एच पावर आ जाइए, के की वैल्यू को मैंने वन मान लिया, एच की पावर ए, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, दूसरा सी स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज ए बी, एंड द थर्ड कॉन्स्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सी, इसकी रिलेशनशिप करना है, क्या आपके पास मैं बताया था एच हर का आपके पास पहले डायमेंशन लिखना पड़ेगा, एच की बात करिए, एच क्या होते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट कहां से इसको याद करेंगे, इसकी तरीका मैं बताता हूं, आप हमेशा याद कीजिएगा, एटॉमिक एनर्जी में बहुत प्रयोग करते हैं, ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा दैट इज एच इंटू एफ फ्रीक्वेंसी, अब आ जाइए E क्या होता है, इसकी आप हमेशा याद रखिएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, h आपको निकालना है, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन बाई टाइम पीरियड, क्लियर, यस, इसलिए h इक्वल टू क्या हो गया, एम एल स्क्वायर और t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, t माइनस वन, इसका डायमेंशन h प्लैंक्स कॉन्स्टेंट आ गया, कभी आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, एच के बारे में, सी के बारे में मैं ऑलरेडी जानता हूं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सी, लेंथ टाइम माइनस वन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और जी के बारे में, जी के बारे में आप कैसे निकालिएगा, एफ इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, फोर्स के बारे में आपको याद रखना है, एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए और एम स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, दिस इज द डायमेंशन फॉर जी, अब आपके पास क्या आ गया, एम माइनस वन ये कटता हुआ, L का क्यूब T का पावर माइनस टू, और ये आपके पास G आ गया, तीनों का पहले आप निकाल लीजिए, अब आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, सबसे पहले H की वैल्यूज उठाइए, H की वैल्यू क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन ई जी, इसकी पावर को भूलिए मत, A C L T माइनस वन, वेरी इजी, दिस पावर इज B G M माइनस वन, एम माइनस वन एल थ्री, एल थ्री टी माइनस टू, एंड दिस रेज टू द पावर सी, यहां पर अब आपको क्या करना है, सभी को आइसोलेट कर लेना है, लेंथ को छोड़ दीजिए, इस साइड आ जाइए,
m की टारगेट कीजिए, m की पावर a आ जाइए, m की पावर a। दूसरा क्या लिखेंगे, m की पावर, सेकंड टर्म में m मिसिंग है, यहाँ है ही नहीं, थर्ड टर्म में है तो m की पावर में क्या दिया हुआ, माइनस वन, और पावर है c, तो माइनस c, m का काम खत्म, वन और माइनस c। l, l की पावर क्या, टू, और पावर है a, तो टू a। l की पावर है b, तो प्लस b। l की पावर है थ्री, तो प्लस थ्री सी। एल टाइम को टारगेट कीजिए, टी, टी का पावर कितना है, माइनस वन ए, दैट इज ए। टी की पावर माइनस वन बी, माइनस बी। टी की पावर को माइनस टू सी। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, टी की पावर माइनस ए, यस करेक्ट, टी का पावर माइनस बी, यस करेक्ट, टी का पावर माइनस टू, करेक्ट। अब आप मैच कीजिए लेफ्ट एंड राइट को, सबसे पहले एम के मैच कीजिए, इधर एम है ही नहीं, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, एल वन एम जीरो टी जीरो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैच कर लीजिए, एम इसमें जीरो है तो ए माइनस सी इक्वल टू जीरो, सबसे पहले ए माइनस सी इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ए इक्वल टू सी, इसकी प्रयोग बखूबी करेंगे। एल की वैल्यूज में क्या है, एल का पावर वन है, इसकी पावर ले लीजिए, क्या हो जाएगा, टू ए प्लस बी प्लस थ्री सी। यहाँ पर इसको चेक कीजिए, एल, एल का पावर क्या है, वन, वन पुट कर दीजिए। यहाँ ए और सी सेम है, ए को रहने दीजिए, सी को हटा दीजिए, मतलब ये दोनों एक ही टर्म में ले लीजिए, तो 5a प्लस बी इक्वल टू वन, 5a प्लस बी इक्वल टू वन, आई पुट इट क्वेश्चन पर। तीसरा को टारगेट कीजिए, माइनस ए, यस माइनस ए, माइनस बी, माइनस टू सी, और इधर t का वैल्यू क्या है, जीरो, तो दैट इज जीरो, और पहले ही a और c एक है, मतलब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो माइनस थ्री ए आ जाएगा, माइनस बी इक्वल टू जीरो। अगर इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे लोग, b से b कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, 5a से 3a 2a आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू वन, सो व्हाट इज a, दैट इज इक्वल टू हाफ। तो कई टर्म आपके पास आ गए, क्या क्या टर्म आ गए, a आ गया आपके पास, और इसका मतलब c भी आ गया, व्हाट इज c, दैट इज हाफ। अब आपके पास क्या बच गया, b, b को कहाँ से टारगेट करें, यहाँ से कीजिए, व्हाट इज b, b इज इक्वल टू माइनस थ्री ए, सो माइनस थ्री एंड a इक्वल टू हाफ, दैट इज माइनस थ्री बाई टू। अब यहाँ से आपका आंसर स्वतः आ जाएगा, कैसे आप चेक कीजिए, कैसे स्टार्ट करें बच्चे लोग, यहाँ से कीजिए, l, l की वैल्यू मैंने दिया, आइए h की वैल्यू a, h, h का वैल्यू a चेक कीजिए, आपने हाफ लगाया, हाफ पुट कीजिए, उसके बाद c, और फिर c, c की वैल्यू, इसका पावर कितना है, c भी हाफ है, ये भी हाफ हो गया, चलिए c की b की वैल्यू था, एक मिनट, b की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू, C के जगह पर B है और B की वैल्यूज क्या है, माइनस थ्री बाई टू, यस। अब क्या है G, तो G यहाँ पर पुट किए, G की वैल्यू कितना है, C, और C की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू, ये पुट करना है, और एक मिनट, C की वैल्यू B है, B की वैल्यू है माइनस थ्री बाई टू, और C की वैल्यू G का C है, G का वैल्यू C और C का हाफ हो जाए, यस, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ हमारा, मतलब एच और जी अंडर रूट में आ जाएंगे, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, नीचे चला जाएगा एच जी के बाद सी, और ये आ जाएगा थ्री बाई टू, इसकी वैल्यू कितना है, माइनस थ्री बाई टू, तो दैट इज थ्री बाई टू। इससे अगर हम लोग मैच करें तो यस, एच जी सी थ्री बाई टू इज द करेक्ट आंसर, वहां से आप इसके टिक लगा सकते हैं, एंड दिस विल बी द आंसर। कुल मिला के एक बार मैंने कहा, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप सारे फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को लिख के होमोजेनिटी के प्रिंसिपल पर इक्वेट कीजिए एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन है, 2015 नीट के एग्जाम में कंटिन्यूटी में आ रहा है, क्या क्वेश्चन दिया, सेम टाइप के क्वेश्चन से, बल्कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा इसमें, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज थोड़ा इजियर टर्म का यूज किया है। क्या कहता है, इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर रिलेटेड विद सरफेस टेंशन ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, देन व्हाट कुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन E, V and T with surface tension S, okay? कैसे मूव करेंगे, किससे किसको रिलेट करना, सरफेस टेंशन, लेट अस सरफेस टेंशन S, इक्वालिटी K का वैल्यू को वन पुट कर दिए, और ये रिलेटेड है E, मतलब एनर्जी, एनर्जी का पावर को A राइट कीजिए, उसके बाद वेलोसिटी भी V की पावर को B राइज कीजिए, एंड थर्ड टाइम T, ये आपके पास टाइम टी है, इसको सी राइज कीजिए, नाउ व्हाट कुड बी द ए बी सी वैल्यू, पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, डायमेंशनल होमोजेनिटी से
एस क्या है, सरफेस टेंशन, यहां आ जाएंगे। सरफेस टेंशन के बारे में क्या जानकारी है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल, क्या बचा बच्चा एम टी माइनस टू, गेट इट, ये आपको सरफेस टेंशन याद रहेगा, सरफेस टेंशन चैप्टर में पढ़ना ही हम लोगों को, फोर्स पर यूनिट लेंथ। एनर्जी आप याद रखिए, वर्क डन के बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब क्या बच गया, टाइम टू टी, बताइए इसके क्या है, इसका मतलब है कि ये अपने आप में बहुत ईजी हो रहा है। एक वेलोसिटी भी है, वॉट इज द वेलोसिटी, एल टी माइनस वन, तो सारे टर्म्स आ गया, ये खुद ही टाइम है तो टाइम का तो टी रहता ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको पुट कीजिए, उसका सरफेस टेंशन कितना हो गया, एम टी माइनस टू, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ लेंथ कट गया। एनर्जी वहां से उठा लीजिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, पावर रेज कर दीजिए, एल टी माइनस वन, पावर रेज, टी अफकोर्स टी रहेगा, पावर रेज, पावर तो ऑलरेडी सी है। चलिए इक्वेट करना है, यहाँ पर एम टी है, एल की वैल्यू को क्या मान लेंगे, जीरो, एम की वैल्यू वन, टी का वैल्यू माइनस टू, कुछ नहीं दिया हुआ जीरो मान लेंगे, इसके बारे में दिया हुआ एम तो पावर वन कर दीजिए, मैच कीजिए। अच्छे लोग, एम की पावर में क्या है, ए, एम को रेज करते ए, एम यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, मतलब कीजिए एल को, चलिए चेक कीजिए, एल टू और ए, टू ए, एल का पावर बी तो प्लस बी, एल उसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। टी की पावर आइए, टी को कैसे रेज करेंगे, टी का पावर माइनस टू ए, यस करेक्ट, टी का पावर माइनस बी, करेक्ट, प्लस सी, करेक्ट, माइनस टू ए, माइनस बी, प्लस सी, मैच कीजिए। सबसे पहले किसको मैच कीजिएगा, एम से कीजिए, एम को मैच, एम की वैल्यू कितना आ जाएगा, वन है, इसलिए ए इक्वल टू क्या हो गया, वन, बहुत अच्छा। एल को मैच कीजिए, टू ए प्लस बी, टू ए प्लस बी, एल, एल की वैल्यू जीरो, जीरो का मतलब क्या हो गया, 2a इक्वल टू बी विथ नेगेटिव साइन, इसलिए b इक्वल टू माइनस टू ए, इसलिए b इक्वल टू माइनस टू इन टू वन, दैट इज माइनस टू। क्या किया हमने, b को उस साइड रहने दिया, a को इधर कर लिया, b इक्वल टू माइनस टू ए, माइनस टू, ए के जगह पर वन, माइनस टू। अब एक काम कीजिए, c को उठा लीजिए, c के पावर कितना है, टाइम के लिए उठाइए, यहाँ पर माइनस टू ए, ऐसे माइनस टू ए, माइनस बी, प्लस सी, और t का यहाँ पर कितना है बच्चे, माइनस टू, माइनस टू ए, माइनस बी, प्लस सी, इक्वल टू माइनस टू। आइए इसमें पुट कर दीजिए, माइनस टू, ए का वैल्यू वन, कोई दिक्कत नहीं, बी का वैल्यू माइनस टू, माइनस माइनस प्लस टू, प्लस सी नहीं जानते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस टू, ये माइनस टू, ये माइनस टू, कैंसिल, सी इक्वल टू माइनस टू। तो आपके पास तीनों टर्म आ गए, दो माइनस टू में आ गए और एक वन में आ गए, आपका आंसर खुद ब खुद निकल गया। अब बताइए एस बराबर क्या हो गया, ई का पावर ए, ए का पावर आपके पास ऑलरेडी है वन, वन, बी का पावर बी, बी का पावर आपके पास, बी की वैल्यूज ऑलरेडी है माइनस टू, एंड टी, सी का वैल्यू भी आपके पास है माइनस टू, दैट यू गेट द आंसर, मैच कर लीजिए एंड यू गेट द आंसर, हियर दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में थोड़ा धीमा लगता है क्योंकि आपको बी अलर्ट, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस पूरा रहेगा आप तेजी से बढ़ जाइएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, 2011 में नीट में एक बार पुनः क्वेश्चन पूछा, वही डायमेंशनल एनालिसिस, वही रिलेशनशिप, क्या कहा कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी और उसके डायमेंशन क्या होंगे, वह फिजिकल क्वांटिटी क्या दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रेज टू द पावर माइनस हाफ, और पूछता है यस फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन क्या होगा, तो आपको यहाँ पर चेक करना है म्यू नॉट क्या है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, दिस इज म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ अ वैक्यूम, ये टर्म आ गया। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, अब आप अगर इन दोनों का डायमेंशन आप पुट करते हैं और उसका स्क्वायर रूट रेसिप्रोकल में लेते हैं तो वह कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएगा, उसका डायमेंशन देखिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात की जानकारी होना चाहिए, हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज वन बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, दैट यू नीड टू रिमेंबर, याद रखिएगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम, 1 बाई
रेसिप्रोकल ऑफ अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन, और यही टर्म तो वहां पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट ए वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा या डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। तो आपके पास आंसर आ गया, बी चॉइस इज द करेक्ट आंसर, चूंकि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट खुद ही है, इसलिए ऐसे टर्म के बारे में आपकी जानकारी होना चाहिए। कभी कभी अगर आपको म्यू नॉट दे दें और सी दे दें और पूछेगा डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट क्या है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि म्यू नॉट का डायमेंशन पूछ रहा। अगर आपको इप्सिलॉन नॉट याद है और वेलोसिटी ऑफ लाइट का भी डायमेंशन याद है, तो म्यू नॉट की भी डायमेंशन आप लिख सकते, मतलब इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो मैंने आपको ये जानकारी दिया कि दिस यू मस्ट रिमेंबर फॉर फर्दर टाइप ऑफ ए क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस बार मैं आपके सामने एम्स के क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूँ। नीट के जितने भी क्वेश्चन अब तक में आए वो डायमेंशन एनालिसिस के मैंने आपको सारे कर दिया क्वेश्चन, सभी लगभग एक ही टाइप का है। उसी कड़ी में एक बार नीट में भी आता है, क्या कहता है कि इफ मास एम, लेंथ एल, टाइम टी एंड चार्ज सी आर रिलेटेड टू ईच अदर विथ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ ए वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ ए वैक्यूम, देन What could be the relationship between mu naught, that is a permeability of a vacuum, with the given four quantities, and आपको establish करना है क्या relations हो सकते हैं। Clear हो गया? तो यहाँ भी आपके सामने एक clear cut बता रहा है कि this mu naught is somewhat related to constant k को छोड़ दीजिए, तो क्या कहता है एम एल टी सी, इस पर आ जाइए, एम एल टी एंड सी, सबकी पावर को रेज कर दीजिए, ए बी सी एंड दैट आई कॉल डी, इस पावर को म्यू नॉट के, तो इसकी कौन सी वैल्यूज आएंगे आपको वन बाई वन करना है। चलिए मैं आपके यहां से आता हूं, अगर दो पैरेलल वायर्स हैं, ऐसे आ जाएंगे दो पैरेलल वायर्स हैं, लेट अस सपोज इट कैरीज ए करेंट आई वन एंड इट कैरीज ए करेंट आई टू, दो पैरेलल वायर्स के बीच में कितना फोर्स लगता है, ये फॉर्मूला आपको मैग्नेटिज्म में जाना है और वहाँ से दिया हुआ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक छोटा सा लेंथ अगर हम लोग ले लें, लेंथ ऑफ द सेकंड वायर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट टू पाई डी इंटू आई वन इंटू आई टू। इस इक्वेशन से आप भली भांति परिचित हैं, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट टू पाई डी होता है और उसको डी एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब प्रश्न यह है कि हमको इससे क्या फायदा होगा, होगा म्यू नॉट की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से चेक कीजिए म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगा, फोर्स, फोर्स की क्या फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, हम लोग एक एक करके सबको पुट कीजिए, एम एल टी माइनस टू फोर्स कहा गया, क्लियर, लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ कट जाएगा, इस लेंथ को काट दीजिए क्योंकि लेंथ में मीटर ये भी आएगा, मीटर ये कट गया, यहाँ पर क्या है दो करेंट का स्क्वायर है, मतलब करंट का स्क्वायर एंड दिस इज म्यू नॉट। अब आपका डायरेक्ट भी आंसर आता हो, चेक कीजिए कैसे, एम एल टी का पावर माइनस टू, ना व्हाट इज ए करंट, करंट का रिलेशन है ना, करंट इक्वल टू क्या होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो इसका मतलब करंट का स्क्वायर करेंगे तो सी का स्क्वायर और टी का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये टी स्क्वायर कट गया, तो अब आपके पास क्या आ गया, आंसर भी आ गया आपका एम एल सी टी माइनस टू। इस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ा, अगर आपके पास ये फॉर्मूला याद है तो सीधा परमिएबिलिटी का आपके इक्वेशंस में आ जाइए, परमिएबिलिटी इज रिलेटेड टू दिस मच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, आसानी से आ गया। इसका मतलब है इस टर्म की हमें जरूरत नहीं है, बल्कि यहां पर टी का वैल्यू आया भी नहीं, आपका आंसर में क्या आ जाएगा एम एल सी का पावर माइनस टू एंड दैट इज योर आंसर। 2015 एम्स की क्वेश्चन सामने आपके बोर्ड पर है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब आपको यहां भी याद नहीं करना है, हम लोग जानते हैं इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, न्यूटन पर कूलम और एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, यहां तक तो आपके पास आ गया। आपको डायमेंशन एम एल टी और ए के टर्म में ढूंढना है, एन क्या है फोर्स है, इसके डायमेंशन क्या होंगे एम एल टी माइनस टू, सी चार्ज के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं पहले एल का स्क्वायर पुट कर दीजिए एल का स्क्वायर, आप करंट इक्वल टू क्या जानते हैं बच्चे लोग चार्ज पर यूनिट टाइम, इसलिए सी इक्वल टू क्या होता है आई टी, तो जहां भी सी है आप वहां क्या पुट कर सकते हैं आई इंटू आई की जगह पर आप ए के फॉर्मेट में दीजिए क्योंकि वहां ए के फॉर्मेट में है ए टी हो गया। अब यहां पर क्या क्या आ जाएगा एम
यस एल क्यू, यस टी का पावर माइनस वन, यस ए का पावर माइनस वन, मैच कीजिए एम एल क्यू टी का पावर ओके सॉरी माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ पर पावर रेज करेंगे माइनस थ्री एंड ए का पावर माइनस वन, यस करेक्ट। तो आपके चॉइस कौन सा आ जाता हुआ, यस ए चॉइस इज द करेक्ट आंसर, एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस माई डियर स्टूडेंट्स, एम्स में आया हुआ ये भी क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन में, फोर्स इज रिलेटेड टू, क्या रिलेशन से बच्चे लोग, फोर्स इक्वल टू ए कॉस बी एक्स, बी कॉन्स्टेंट है एक्स डिस्प्लेसमेंट है, सी साइन डी टी, सी साइन डी टी। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी बाई बी यू नीड टू फाइंड। चलिए अब आपको यहां पर थोड़ा सा हिंट बता दें, डायमेंशन में बहुत काम आता है। क्या कहता है कि कोई भी कोसाइन का वैल्यू है, ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल के वैल्यूज हैं उसके अंदर का टर्म मस्ट बी डायमेंशनलेस। जैसे हम लोग साइन 30 डिग्री पुट करते हैं, साइन 60 डिग्री पुट करते हैं, तो दिस फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस। उसी तरह से साइन का भी ये टर्म क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। क्लियर बात आ गया। अब उसके हिसाब से अगर एक्स दिया हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक्स इज ए डिस्प्लेसमेंट, तो बी एक्स क्या हो जाएगा, नंबर, दिस मस्ट बी ए नंबर, यहां पर कोई डाउट नहीं है। अब अगर बी कहता है एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट है तो व्हाट इज ए बी, बी इक्वल टू वन बाई एक्स दैट इज वन बाई एल, यहां पर इसकी डायमेंशन कितने हो जाएंगे, एल डायमेंशन, क्योंकि बी इंटू एक्स नंबर है इसलिए बी इक्वल टू नंबर को वन मान लें तो वन बाई एक्स और एक्स इक्वल टू एल। सिमिलरली सी डाइन डी टी में टी टाइम है और डी टी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, तो d इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू नंबर। अब क्या करें, करना क्या है, d क्या हो जाएगा, 1 by time, और 1 by time का मतलब 1 by t, ये दो चीज आ गया। Now what is the ratio of d by b, ये पूछ रहा आपसे, आपको क्या दिक्कत है, d के बारे में आपको 1 by t और b के जगह पर लेंथ by 1, so what is the final value, l t minus 1, so what is this quantity, choice a is the correct answer and this is obviously velocity quantity। मतलब आपके पास क्या हो गया कि कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के जो ब्रैकेट के अंदर के टर्म होंगे इट मस्ट बी डायमेंशनलेस। अगर ये डायमेंशनलेस है और अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो वन बाई डिस्प्लेसमेंट होगा, ये टाइम है तो डी का डायमेंशन क्या होगा, वन बाई टाइम, क्योंकि दोनों कट के नंबर आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, यस माई डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर एम से क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्योंकि ये सीरीज ही आपके एम्स का है। क्या देता है बच्चे लोग कॉन्स्टेंट, कहता है इफ सी इज द कैपेसिटेंस एंड एल इज द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू दैट इज एल सी। अब ये भी आपका ट्रिक है कि आप क्या एल सी की क्वांटिटीज को पहचानते हैं कि ये मल्टीपुल क्या होता है, या आप एल का पूरा डायमेंशन पुट कीजिए, सी का पूरा डायमेंशन कीजिए और उससे आंसर निकालिए, वो एक टफ काम हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर हिट बताता हूँ, आप अगर पढ़े होंगे हमारे पास L और C की जब कॉइल लेते हैं उसमें हमारे पास क्या आता है, एक वर्ड आता है सेल्फ इंडक्टेंस के समय में एक्सी वैल्यू और एक एक्सएल वैल्यू, और हमने वहां पर क्या पढ़ाया था कि एक्सी इक्वल टू एक्सएल होते हैं। इससे क्या हो जाता है, आपके पास जो जेड की वैल्यू होते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यूज होते हैं, इंपीडेंस की वैल्यू होते हैं, वो सर्किट का कम हो जाता है। एक्सी का इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते थे, याद कीजिए, वन बाई ओमेगा सी, और एक्सएल इक्वल टू एक पढ़ते थे। सेल्फ इंडक्टेंस की चॉइस में हम लोग पढ़ते थे, एसी करंट में ये हम लोग के पास आता था, इसलिए हमारे पास क्या हो जाता, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन बाई सी एल, ओमेगा स्क्वायर इधर आ जाएगा और सी एल आ जाएगा, इसलिए वॉट इज सी एल, सी एल इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा स्क्वायर। नाउ वॉट इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू फोर पाई एफ स्क्वायर, क्योंकि टू पाई एफ होता है और एफ इक्वल टू टाइम टी होता है और वो रेसिप्रोकल में चला जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। सो वेरी इजी क्वेश्चन, सी एल का डायमेंशन क्या हो गया, एम जीरो एल जीरो टी का पावर टू, एंड दैट यू नीड टू रिमेंबर। मैं आपको पहले भी बताया कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के इंटरनल प्रॉपर्टीज को आपको जरूर जानना चाहिए, वो क्या है, सी एल क्या प्रोडक्ट क्या देता है, सी आर का प्रोडक्ट क्या देता है, सी वाई एल का रेशियो क्या देता है, ये सब चीज की आपको जानकारी होना चाहिए। ये कहां से चार्ज है, जैसे C और R की वैल्यू है, कभी भी C और R का प्रोडक्ट क्या होता है, टाइम,
कैसे आपको इसकी जानकारी होगा? आप अगर पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ ए सर्किट तो Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर टी वाई सी आर। अब गेस कीजिए E एक्सपोनेंशियल, मान लीजिए यही एक क्वेश्चन आ गया, पूछा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सी आर, कैसे निकालेंगे? आप देखिए E एक्सपोनेंशियल है, नंबर है और ऊपर टाइम है और E को नंबर होना है, तो जैसे ये टी है टाइम, तो सी आर भी क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। उसी तरह से एक क्वेश्चन और भी आता है, I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर टी एल बाई सी आर, टी इक्वल टू एल बाई आर। इसका मतलब हो जाएगा कि L और R का जो हम लोग लेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे को कोरिलेट कर सकते हैं और वैल्यूज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, वहां से आप देखिए इस बार क्वेश्चन बहुत ईजी है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। यस, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की जैसे ही बात आएगा तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन की वैल्यू को वन मोल ले लीजिए, नंबर है इसको आप साइड लाइन कर दीजिएगा, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ आर आपसे पूछ रहा है, पी वी बाई टी। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से देखिएगा, टी क्या है आपके पास? प्रेशर है, वॉल्यूम है, आर क्या? यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल। यहाँ टी टाइम ना होता हुआ टेम्परेचर है, इसलिए इस टी के बारे में आपको पहचानिएगा, दिस इज टेम्परेचर। पी क्या है? प्रेशर है। एंड वी क्या है? वॉल्यूम है। और एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। दिस इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, आप जानते हैं इसके बारे में। पी प्रेशर क्या दे दें? फोर्स पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम क्या दे दें? एल क्यू। और टेम्परेचर को यहाँ थीटा के टर्म पर आपको दर्शाना है, थीटा। आ जाइए फोर्स का क्या होगा? एम एल टी माइनस टू, और ए का वैल्यू ऊपर ले लीजिए एल का पावर टू, यहाँ पर एल का पावर थ्री और थीटा का पावर माइनस वन। अब इसकी सिंप्लीफाई कीजिए, एम ऑल टाइम यहाँ का फोर हो जाएगा, दो घटेगा, एल का पावर टू टी का पावर माइनस टू, तो ये हो जाएगा और थीटा का वैल्यू माइनस वन। इससे आप अगर आप लेते हैं तो आपके पास क्लियर कट आता हुआ, एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू थीटा का पावर वन यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट का, ए चॉइस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक बार फिर डायमेंशंस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश वाले क्वेश्चंस आया, नीट 2008 में आया। क्या कहता है? इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दे आर रिलेटेड टू टाइम टी, देन एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड द गिवन थ्री डिफरेंट क्वांटिटी। क्या करें? बहुत आसान सी बात है, सबसे पहले सी के बारे में आइए। सी क्या होता है? डायमेंशन पहले से ही पता होना चाहिए, एल टी माइनस वन। जी कई बार आपने आया, जी के बारे में अगर फिर से चेक कीजिए, एम जी एम स्क्वायर और ये एल स्क्वायर, जी की वैल्यूज के लिए एम एल टी माइनस टू इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, जी की वैल्यूज के लिए एम माइनस वन एल का पावर थ्री एंड टी का पावर माइनस टू। कई बार आपसे आ रहा है ये फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के लिए भी मैं बताया था एनर्जी इक्वल टू एच एफ, एनर्जी के लिए आपके पास मालूम है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू वन बाई टी, टी से करेंगे टी माइनस वन इक्वल टू एच। इस तरह से तीनों फिजिकल क्वांटिटीज आ गया, आप पावर रेज कीजिए और आंसर बताइए। तो ये टी हो गया, सी के जगह पर आप पहला फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन लिखिए एल टी माइनस वन, पावर रेज कीजिए, पावर रेज करते हैं कितना देंगे? ए देंगे, यस करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या है? जी है, तो जी के लिए आपके पास आ जाइए एम माइनस वन, एम माइनस वन जी एल थ्री, एल थ्री जी के लिए टी का पावर माइनस टू, पावर रेज कीजिए बी, एंड द लास्ट टर्म इज एच, एच की कम किए एम एल का पावर टू टी का पावर माइनस वन, पावर रेज कीजिए सी। नाउ दीज आर टू बी इक्वेटेड डायमेंशनल होमोजीनिटी के लिए। कैसे आप इसको करते हैं? आइए इस साइड क्या आप लिखिएगा, एम जीरो एल जीरो टी का पावर वन, यहाँ पर एल के साथ आइए, एल का पावर में क्या है? ए है, अच्छी बात है, एल का पावर में थ्री बी है, ये भी अच्छी बात है, और एल का पावर में प्लस टू सी है। एम की बात करें, एल के बाद एम, एम की पावर यहाँ है नहीं, यहाँ पर माइनस बी है, अच्छी बात है, यहाँ पर प्लस टू सी है। और टी की चर्चा करें तो यहाँ पर माइनस ए है, यहाँ पर माइनस टू बी है,
एंड माइनस सी है. नाउ दे आर डायमेंशनली होमोजीनियस, उस लॉजिक से करते हैं. यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसके होमोजीनिटी को चेक करते हुए ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी लेफ्ट के एल के लिए दैट इज जीरो. टी के मिलाइए माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी एंड दैट इज टी इक्वल टू वन करेक्ट. माइनस बी एंड माइनस सी एम की वैल्यू को लेंगे तो माइनस बी और एम की वैल्यूज को लेंगे तो सी, तो माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो. इससे सिंप्लीफाई करते हैं तो बी इक्वल टू सी इक्वेशन वन पर ज़रा ध्यान देंगे. अब बी और सी को ध्यान देंगे कि एक ही चीज़ है, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए माइनस ए माइनस टू बी और सी के जगह पर बी ही पुट कीजिए एंड दिस इज इक्वल टू वन. इससे क्या आ जाएगा आपके पास माइनस ए माइनस थ्री बी इक्वल टू वन. मैंने क्या किया इस जगह पर माइनस ए को अपनी जगह पर ले लिया, माइनस टू बी को रहने दिया और सी के जगह पर बी कर दिया, तो माइनस ए माइनस थ्री बी इक्वल टू वन. और यहाँ पर भी आप इसी को कर दीजिए, बी और सी एक ही है तो ये ए हो जाएगा थ्री टू फाइव प्लस फाइव बी हो जाएगा. अब बी के टर्म में ही बात करते हैं और जीरो हो जाएगा. इस दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बी और इक्वल टू वन. सो व्हाट इज ए बी, बी इक्वल टू हाफ. बी इक्वल टू हाफ का मतलब सी इक्वल टू हाफ, तो दोनों हाफ की वैल्यू आ गई. नाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यस वी कैन. ए की वैल्यू उसको कहाँ से ले लें, यहाँ से ले लेंगे. व्हाट इज दिस वैल्यू ए, रहने दीजिए थ्री बी प्लस टू सी, मतलब दोनों बी और सी बराबर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्लस फाइव सी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. सो व्हाट इज दिस फाइव सी इक्वल टू माइनस ए. सो व्हाट इज सी माइनस ए, ए इज इक्वल टू व्हाट, बी और सी हाफ आ गया, ए की ही वैल्यू निकालना. ओके ए इज इक्वल टू व्हाट माइनस फाइव सी माइनस फाइव. नाउ व्हाट इज सी वैल्यू, हाफ. सो व्हाट इज ए वैल्यू, माइनस फाइव बाई टू. अब इसके हिसाब से अगर आप सेट करें तो आपके पास आंसर आता हुआ, क्या आंसर आता हुआ आ जाएगा, सबसे पहले टी की वैल्यू, टी के साथ कौन सा टर्म लेना है, एल टी माइनस वन. एल टी माइनस वन का मतलब सी, तो सी का वैल्यू क्या आ गया, हाफ. ए का चूंकि वैल्यू आपके पास ऑलरेडी, सॉरी ए का वैल्यू, ए का वैल्यू माइनस फाइव बाई टू, सी की वैल्यू में माइनस फाइव बाई टू. दूसरा क्या आ जाएगा, ये टर्म बी वाला जो है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी, जी की वैल्यू भी हाफ आ गया. और आपके पास तीसरा टर्म क्या है, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की पावर को मैंने सी दिया और सी की वैल्यूज भी हाफ आ गया, तो सी इक्वल टू हाफ. तो ये टर्म्स आ गया, टी इक्वल टू सी का पावर माइनस फाइव बाई टू, ये चॉइस है, जी का पावर हाफ, तो दैट इज योर आंसर एंड इट इज द करेक्ट आंसर. इस तरह से देखा कि आपने रिलेशनशिप डेवलप करने की एबिलिटी डेवलप कर लिया. नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपके सामने रिलेशंस के क्वेश्चंस है. क्या कहता है क्वेश्चंस में, 2007 एम्स की क्वेश्चंस है कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट आर डिपेंडेंट ऑन फोर टर्म्स. किस पर टर्म पर डिपेंड करते हैं, तो रेसिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन मास एम, लेंथ एल, ऑफकोर्स टाइम टी एंड करेंट ए. आपके पास चार टर्म्स दिए हुए हैं. कहता है कि इसमें कौन से रिलेशनशिप आपके पास डेवलप हो सकते हैं एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट, मतलब रेसिस्टेंस का रिलेशनशिप डेवलप करना है इन द गिवन फोर टर्म्स. अब बात करते हैं रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे इसके डायमेंशन पड़ेंगे, ये ट्रिक आप सीख लीजिएगा. जब भी रेसिस्टेंस की जरूरत पड़े तो हम लोगों को निकालने का तरीका क्या होता है, एच से आ जाएगी. एच इक्वल टू हीट एनर्जी आई स्क्वायर आर एंड टाइम टी. ये हम लोग जानते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सो डेवलप्ड इन ए करंट कैरिंग वायर, आई करंट, आर रेसिस्टेंस, टी टाइम और एच इक्वल टू हीट एनर्जी. मतलब एनर्जी, एनर्जी का क्या डायमेंशन होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, फोर्स इंटू आई स्क्वायर. आई का कहीं ना कहीं आपके पास रिलेशंस है, दैट इज ए स्क्वायर छोड़ दीजिए, आर आपको निकालना है एंड टी इज द टाइम नॉट टेम्परेचर. इससे क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आर इन द गिवन टर्म्स, एम एल स्क्वायर आर के जगह पर टी और टी यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज टी माइनस थ्री एंड ए माइनस टू. ये आपका रेसिस्टेंस का डेवलप करके एक बार फिर पुनः चेक कीजिए, आर एम एक ही टर्म है, एल स्क्वायर एक ही टर्म है, टी माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस, माइनस ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई टी और टी ऊपर माइनस वन, यस टी माइनस थ्री, ए का वैल्यू माइनस टू, ये रेसिस्टेंस आ गया.
अब कहता है कि इस रेसिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन MLTA, तो कौन सा रिलेशनशिप डेवलप होगा, तो ऑटोमेटिक ये रिलेशनशिप आपका आ ही चुका है, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू मास लेंथ का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर ए का स्क्वायर, यू कैन चेक इट एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका डायरेक्ट ही आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहता है इस क्वेश्चन में, एम्स में पूछा गया 2007 में, द टाइम पीरियड ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप, टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप इज फंक्शन ऑफ थ्री फिजिकल क्वांटिटी, नंबर वन सरफेस टेंशन, नंबर टू रेडियस एंड द थर्ड इज डेंसिटी, देन व्हाट कुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द गिवन थ्री क्वांटिटी। एक बार पुनः उसी रिलेशंस को डेवलप करना है, क्या आपके पास आ जाएगा, टाइम पीरियड टी दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू किसके किसके बीच है, सरफेस टेंशन एस, एस की पावर को रेज कीजिए ए, दूसरा कौन सा रेडियस आर, आर की पावर को रेज कीजिए, और तीसरा कौन है डेंसिटी रो, और उसकी पावर को रेज कीजिए। नाउ दिस कुड बी इजीली रिटर्न है टी इक्वल टू के, एस के जगह पर आप क्या दे सकते हैं, सरफेस टेंशन है, लेंथ फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स इक्वल टू एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल एल गेटिंग कैंसिल एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू पावर रेज टू ए, रेडियस नथिंग बट लेंथ पावर रेज टू बी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास एम वॉल्यूम डिवाइड है पावर सी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ पावर यू मस्ट मैच, कैसे करेंगे, एम जीरो एल जीरो एंड टी इक्वल टू वन, यहाँ पर के डायमेंशनल कॉन्स्टेंट है, उसके टर्म में ही आंसर लिखना है, मैच कराइए, एम की वैल्यू ए, पावर को ध्यान से देखिए, एम का वन प्लस सी, एम की दो वैल्यू जाते हैं, दूसरी एल को मैच करिए, एल एल इसमें नहीं है, एल की वैल्यू बी है और एल की वैल्यू माइनस थ्री सी है, टी की वैल्यू इसको मैच करिए, टी की वैल्यू इसमें माइनस टू ए है, टी की वैल्यू इस दोनों में नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशनली होमोजीनिटी को आप मैच करते हैं तो टी का पावर माइनस टू ए और टी का पावर वन, तो माइनस टू ए इक्वल टू वन, इसलिए ए इक्वल टू माइनस हाफ, ये आपका पहला वैल्यू आ गया। टी को तो आपने मैच किया, यहाँ मैंने किसको मैच किया था, टी को मैच किया था, अब एम को मैच कीजिए, ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, मैंने किसको मैच किया, एम के पावर्स को रेज किया, एम की वैल्यू ए प्लस सी और एम की वैल्यू जीरो, देयरफॉर ए इक्वल टू माइनस सी, इसलिए सी इक्वल टू माइनस ए, सी इक्वल टू माइनस, माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस एंड दिस इज। नाउ व्हाट इज द अदर वैल्यू, उसके लिए आप किसको मैच कीजिएगा, एल की वैल्यू इसको ले लीजिए, तो बी माइनस थ्री सी, बी माइनस थ्री सी, एल की वैल्यूज कभी वो जीरो होता हुआ, आपके क्या निकालना है, बी निकालना है दैट इज थ्री सी, थ्री और सी की वैल्यू वन बाई टू दैट इज थ्री बाई टू। अब इसकी वैल्यूज की क्या आएगा, पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, टी इक्वल टू के, सबसे पहले एस सरफेस टेंशन एस, एस की वैल्यू कौन सा है, ए, ए की वैल्यूज माइनस हाफ, यहाँ से पुट कीजिए, आर पुट कीजिए, आर व्हाट इज बी वैल्यू, बी वैल्यू थ्री बाई टू, यस डेंसिटी इसकी पावर क्या है, सी और सी की वैल्यू प्लस हाफ। इससे आपके पास इक्वेशंस में आ जाएगा कैसे कैसे आप कर सकते हैं, के ऑप्शंस के हिसाब से सेट कीजिए, आर यस या पुट कर सकते हैं, आर की वैल्यू थ्री, चलिए आप क्या कर सकते हैं, एस, एस की वैल्यू हाफ, एस नीचे जा सकता है, इस दोनों को आप क्या कर सकते हैं, और क्या आ सकता है आपके पास, रो, रो की वैल्यूज हाफ है, तो रो की वैल्यूज, रो आपको ऊपर में ही आ जाएगा, यस रो आप यहाँ पर ले लीजिए, तो रो एडजस्ट करते हैं, ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे, इसकी वैल्यूज अगर हम लोग आर को हटा दें तो आर इक्वल टू थ्री बाई टू आ जाएगा, और ये दोनों इस तरह से हो जाएगा, तो के रो बाई एस, चूंकि रो और एस का पावर हाफ है, ये माइनस एस ये रो है और आर का वैल्यू थ्री बाई टू है, अगर उसको हम लोग करें तो इस फॉर्मेट में आराम से लिख सकते हैं, चॉइस को देखते हुए, रो एस आर का पावर क्यू, रो एस आर का पावर क्यू, सो द चॉइस इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन चॉइस, आपको रीएडजस्ट करना है और आंसर वैल्यू पुट कर देना। मेन टास्क आपका क्या था, डिड यू गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, पुट इट एज द आंसर,
नेक्स्ट एक बार पुनः आपके सामने अच्छे क्वेश्चन आया है, एम्स 2005 में आया, कहता है द मास ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड इन ए ट्यूब पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्रेशर पावर एन एंड द वेलोसिटी रेज टू द पावर एम. तो कहता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड एन. यस क्वेश्चन क्या कहता है, मास पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए फ्लोइंग ट्यूब इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी और पावर एम सॉरी एन हियर इट इज एन एंड वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एंड इट इज एन. डायमेंशन दोनों तरफ मैच कीजिए, मास टी और एरिया आ जाइए, मास के लिए एम, टाइम के लिए ऊपर आ जाएगा, एरिया के लिए एल का पावर माइनस टू. मास एम ये दोनों रेसिप्रोकल में, टी का पावर माइनस वन, एरिया लेंथ का स्क्वायर माइनस टू. एंड दिस इज इक्वल टू, आप अगर के कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, वन भी ले सकते हैं. व्हाट इज ए प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर मतलब प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया. व्हाट इज दिस फोर्स, एम एल टी माइनस टू. व्हाट इज एरिया, एल स्क्वायर. सो व्हाट इज दिस वैल्यू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू. यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या पुट कीजिएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू एंड दिस पावर रेज एम, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी लेंथ टाइम माइनस वन एंड दिस डीजे एम. डायमेंशन को इक्वेट करना है, के को डायमेंशन कांस्टेंट है बाहर रहने दीजिए. पहली बात एम की पावर को रेज कीजिए, एम की पावर में यहाँ पर वन है तो वन और एन की वैल्यूज आपके पास आ जाएगा एन, एम की वैल्यूज के लिए एम इसमें नहीं है तो एन ही रहेगा. एल को चेक कीजिए, एल का पावर यहाँ पर कितना है, माइनस एन और एल की पावर क्या है, प्लस एम. टाइम की पावर को मैच कीजिए, टाइम इसमें नहीं है, यहाँ पर टाइम है माइनस टू एन और यहाँ पर टाइम है माइनस एम. अब इसको इक्वेट करना है एम टी माइनस वन एल माइनस टू से. सबसे पहले एम से मैच कीजिए तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एम पावर यहाँ कुछ नहीं का मतलब वन, एम यहाँ सिंगल टर्म है इसलिए एन इक्वल टू वन. इस टर्म को एल को मैच कीजिए, एन माइनस एम, एन माइनस एम, एल की वैल्यू कितना है, माइनस टू है, यहाँ माइनस टू पुट कीजिए, एन माइनस एम, एल की वैल्यू माइनस टू माइनस टू, एन की वैल्यू माइनस वन प्लस एम इक्वल टू माइनस टू. सो व्हाट इज ए एम, माइनस वन. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड एन, जो हमारे पास पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड एन, तो एम इक्वल टू हम क्या देखते हैं, माइनस एन के बराबर. चूंकि एम और एन में क्या है, एन प्लस वन है, एम माइनस वन है, दोनों को डिवाइड कीजिएगा, रेशियो माइनस वन माइनस वन, एम इज इक्वल टू माइनस वन. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, यस माई डियर स्टूडेंट्स, इस बार 2004 में जो क्वेश्चन आए हैं एम्स के ही क्वेश्चन हैं. क्या कहता है, द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ए डिपेंडेंट ऑन फोर टर्म्स. कौन कौन सा टर्म है, इट डिपेंड्स ऑन मास एम, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एल, इट डिपेंड्स ऑन टाइम टी एंड ऑफ कोर्स द करेंट ए. हाउ कैन वी कोरिलेट दिस टू, इट इज योर क्वेश्चन. तो फिर से एक बार एस्टेब्लिश करना है परमिटिविटी का, कैसे मैं परमिटिविटीज को कैसे डिफाइन करूँ और तब इसके बारे में आ जाऊँ. एक आपको याद कीजिए, आप दो चार्ज हैं अगर और दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर हम आर मान लें तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, फोर्स इक्वल टू 1/4 pi epsilon चार्ज का स्क्वायर दैट इज ई स्क्वायर एंड डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर. इससे आपके पास परमिटिविटी निकल सकता है. कैसे, अगर हम लोग ई जीरो को इधर कर लें परमिटिविटी, तो दिस इज ई स्क्वायर एफ आर स्क्वायर, 1/4 pi इज ए कॉन्स्टेंट डायमेंशनलेस, इसे नहीं कंसिडर करना है. नाउ हियर योर आंसर स्टार्ट, यहाँ पर e इक्वल टू ए टी होते हैं तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, चूंकि चार्ज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम. फोर्स ऑलरेडी आप जानते हैं एम एल टी माइनस टू और आर एल स्क्वायर, इसको कोरिलेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, m की पावर 1 आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, l की पावर को यहाँ देखिए तो माइनस 3 आ जाएगा. ठीक है, अगर आप टाइम को मिलाइए तो टाइम का पावर 4 आ जाएगा और अगर लास्ट बात करें a का पावर, ए का पावर 2 आ जाएगा. तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम. तो जब भी परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
परमिएबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है और परमिटिविटी भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स, एम्स के 2002 में पूछा व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर. सिंपल, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड आरएन. इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स. एंड अब चूंकि ये फोर्स बाय फोर्स का रेशियो है, इट इज ऑल टाइम डायमेंशनलेस. तो आप याद रखिएगा ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है. इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगा, एम जीरो, एल जीरो एंड टी जीरो, एंड सो द राइट आंसर. किसी तरह से कभी परमिटिविटीज में आपसे पूछ ले कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, वो भी डायमेंशनलेस होता है. इट इज द रेशियो परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम टू द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं या रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक बार बहुत ही क्वेश्चन आया है, 2002 एम्स की ही क्वेश्चन है. क्या कहता है कि देर आर फोर फिजिकल क्वांटिटीज, आप देख सकते हैं बोर्ड पर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड करेंट पर यूनिट वॉल्यूम एंड द एंगुलर मोमेंटम. सो देयर आर फोर डिफरेंट क्वांटिटी. कहता है इनमें से कौन से ऑड आउट हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. मतलब तीन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मैच करता है और चौथा आउट हो जाता है. चलिए वन बाई वन सबको चेक करना पड़ेगा. पहला, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको चेक कीजिए. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे चेक करेंगे, एनर्जी की इक्वेशंस डायमेंशनली क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और वॉल्यूम का एल क्यू. ऑन द बेसिस ऑफ दिस, दिस इज नथिंग बट एम एल माइनस वन टी माइनस टू. तो ये आपके पास आ गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया. सेकेंड च्वाइस, फोर्स पर यूनिट एरिया, ऑब्वियसली एम एल टी माइनस टू एंड दिस इज एरिया एल स्क्वायर एम एल माइनस टू, दे ऑल आर सेम. दो तो आपके पास अभी तक सेम आ गया. प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज करेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, मतलब वोल्टेज करेंट डिवाइडेड बाई वोल्टेज करेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, इसको चेक करना. वोल्टेज कैसे निकालेंगे, वोल्टेज के बारे में तो थोड़ा सा यहाँ पर आपके आ जाइए. V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे लोग, आई इन टू आर. यहां से अब R का वैल्यू आपके पास आएगा तभी आप निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको सब बेसिक फंडामेंटल में बताना है. R के लिए आपके पास मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं व्हाट इज दिस R. R के लिए आपको नहीं ध्यान देना है. H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर इन टू टी. आर आपको टाइट करना है. H के लिए एनर्जी है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू में एल स्क्वायर कर दिया. यहाँ पर आई स्क्वायर, आई का मतलब क्या होता है, आई के टर्म में ही हमको देना है, तो बेटर आई ही रहने दीजिए. आर आप नहीं जानते हैं, निकालना है, और टी टाइम है. सो व्हाट इज आर, आर इक्वल टू एम एक हो जाएगा, एल पावर टू हो जाएगा, टी माइनस थ्री हो जाएगा, और आई माइनस वन हो जाएगा. दिस इज द डायमेंशन ऑफ आर. कैसे मैंने किया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आई, सॉरी दिस इज द आई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आई का पावर माइनस टू हो जाएगा. आई का स्क्वायर आर और टी, आर का वैल्यूज हमें चाहिए तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा टी माइनस थ्री, और आई का माइनस टू आ जाएगा. अब आपको मैच करना है वोल्टेज करेंट, कैसे कैसे वोल्टेज को करना है, यहाँ से आ जाइए वोल्टेज. वोल्टेज की जगह पर अब आपके पास क्या आ जाएगा, वी इक्वल टू आई आर, मल्टीप्लाई कर दीजिए. आई आर एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और आई, और एक करंट आई आ जाएगा माइनस टू और प्लस वन, दैट इज माइनस वन. थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा. जो इसके पास आपके पास जो सी ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड चार्ज दिए हुए हैं, ना कि करंट दिए हुए हैं. तो थोड़ा सा इसमें हम लोग आ जाएंगे, वोल्टेज को यहाँ पर से करंट को डिलीट करते हुए चार्ज कर देंगे. एक्वाइट द क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ से आ गया. इस चार्ज को जब लेंगे तो आई और टी से कर लेंगे हम लोग. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको टी से करेंगे तो ये टी से टी एक कटेगा, टी माइनस टू. नाउ दिस इज करेक्ट. अब आपके पास तीनों के तीनों मैच कर गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू. नेक्स्ट बच गया चौथा चॉइस, एंगुलर मोमेंटम एल. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम आर वी. एम के लिए एम लेंथ और ये एल वाई
टी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। एंगुलर मोमेंटम मास इंटू पोजिशन वैक्टर इंटू वेलोसिटी वैक्टर, मास के लिए एम, पोजिशन वैक्टर के लिए एल, वेलोसिटी वैक्टर के लिए एल वाई टी, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। सो ये ऑड आउट हो गया इसमें से चार चॉइस में, तो मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम चॉइस इज आउट, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।